नमस्कार, हेल्दी होम में आपका स्वागत है। आज हम गॉल ब्लैडर स्टोन्स के बारे में बात करेंगे। गॉल ब्लैडर, जिसको कि साधारण रूप से पित्त की थैली बोली जाती है, वो हमारे कलेजे से जुड़ी होती है। जो पित्त होता है, बाइल होती है, वो कलेजे में बनती है और फिर वो नाली के थ्रू गॉल ब्लैडर में आती है। गॉल ब्लैडर में स्टोरेज होती है उसकी और फिर धीरे धीरे वहाँ से रिलीज होती है और उससे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो चलता है। लोगों में बहुत गॉल ब्लैडर स्टोन्स बनते हैं। जो सिम्टोमेटिक गॉल स्टोन्स होते हैं, यानी कि जिनमें जिन्होंने कोई ना कोई पेशेंट को तकलीफ दी है, उसमें सबसे ज़्यादा सिम्टम होता है कॉन्स्टेंट हल्की पेन, खाने के बाद डिस्कम्फर्ट, ऐसा लगना जैसे खाने के बाद पेट फूल गया है, और इनडाइजेशन। खासकर एक एफोरिज्म है जिसको बोलते हैं, फैट फीमेल फीमेल ऑफ 40, यानी कि 40s की उम्र में थोड़ा सा मोटापे की लेडी, जो कि चिकनाई खाने में के बाद इस तरह के सिम्टम्स बताते हैं। ज़्यादातर फीमेल में ज़्यादा ये पाया जाता है। इस तरह के सिम्टम्स जब होते हैं तो उसको हम क्रॉनिक कोलेसिस्टाइटिस बोलते हैं। कोई बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द नहीं होता इसमें, लेकिन कुछ इनडाइजेशन के सिम्टम्स होते हैं जिसको कि आप नॉर्मली कई बार इग्नोर कर सकते हैं। उसके बाद कुछ सिम्टम ऐसे हो जाते हैं जिसमें बहुत तेज़ दर्द उठती है। जब भी पेन होती है तो वो पेन नाभि से ऊपर और राइट साइड में, वो पेन सामने के हिस्से से होके पीछे के पीठ में जा सकती है, कंधे पे जा सकती है, और वो बड़ी तेज़ दर्द होती है। जब वो 24 घंटे से कम हो तो हम उसको बिलेरी कॉलिक बोलते हैं। जब वो उठती है तो वो 24 घंटे के अंदर अंदर ही कुछ ना कुछ दवा लेके बैठ जाती है। लेकिन अगर वो इतनी तेज़ दर्द हो जाए जिससे कि गॉल ब्लैडर में सोजिश आ जाए और उसमें इन्फेक्शन हो जाए, उसको फिर हम एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस बोलते हैं। वो दर्द हमेशा 24 घंटे से ज़्यादा रहती है और उसमें पेन इतनी ज़्यादा होती है कि लोगों को वॉमिटिंग भी होती है, उल्टी होती है, और काफ़ी डिस्कम्फर्ट होता है, जिसके लिए उनको दाखिल होना पड़ता है, शल्य चिकित्सक को, सर्जन को मिलना चाहिए। इसके लिए शल्य चिकित्सा आजकल दूरबीन के माध्यम से, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से होती है। तो पहले पेट में बहुत लंबा चीरा लगता था, अब दूरबीन से हम छोटे छोटे 3-4 कट्स देके ये पूरे गॉल बैटर को निकाल देते हैं। एक बार गॉल बैटर निकल जाए तो गॉल बैटर और उसके साथ उसके स्टोन्स सारे निकल जाते हैं, तो आगे कभी भी वो अटैक दोबारा नहीं होता। और हेल्दी जानकारी के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हेल्थी हो।